आओ सब प्रत्यु हमारे हृदय से लग जाओ। मैं ये चाहता हूँ कौन है आप कहाँ के हैं? पहले तो आप अपने जीवन का संपूर्ण परिचय दीजिए। आप कौन हैं? किसके पुत्र हैं? किस कारण आज हमारे घाट पर आए हैं? इस आने का आप पहले कारण बताएं। भैया आप जानना चाहते हैं? हाँ। मैं इस घाट पर क्यों आया हूँ? मैं अपने माता पिता के आदेश अनुसार 14 वर्षों के लिए बंद प्रखंड के प्रस्थान कर रहा हूँ। क्या कहा? माता पिता ने हमें वनवास दिया है भैया केवट, इसलिए तुमसे कहना है भैया केवट सुने। केवट भैया अब मैं जो कह रहा हूँ वो सुने भैया। हाँ बताइए। केवट भैया लाओ नैया, केवट भैया लाओ नैया, जाना है उस पार। और तुम कहते हो ऊंच और नीच की बात, ना कोई ऊंचे कुल का ना कोई नीच का, ना कोई ऊंचे कुल का ना कोई पूछे भूल के हमारी छोटी जात, या पूछे भूल के हमारी छोटी जात। गंगा नदी के किनारे पार कर दे तो सुनो भगवान। ओ रघुराई मेरे सबके भेदाई, रघुराई मेरे तुम सबके राई, मानू मैं एक भी बात मानने वाला नहीं हूं ना। बताए हमें इन दर्शन के लिए ये अखियां तरस गई हैं और ये हमारे जीवन का सौभाग्य है जिन दर्शन के लिए ये अखियां तरसती हैं, वही दर्शन आज इन नेत्रों को, इस कीमत को मिला है जिसके घाट पर स्वयं भगवान आए हैं। तो भगवान मानू नाम है, मानू नाम है कोई भी बात, रघुराई सुन लो मेरी ये बात। आपकी ऊंची जात है, हमारी छोटी जात है भैया केवट। आप ऊंची जात, आप ऊंचे कुल के हैं। हाँ मैं जात पात को नहीं मानता हूँ, जाति पाति दे धर्म बढ़ाई, जाति बड़ी है। क्यों? क्योंकि आप क्षत्रिय हैं, हम तो जंगलों में रहने वाले, हम तो जंगलों में रहने वाले मल्लाह हैं भगवान। और कहा भी गया है जाने बिनु हो नहीं प्रीति, जाने बिनु हो नहीं प्रीति, अब बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति। पता है आपको कि जाति जाति के काहू ने। हाँ हाँ भैया देखिए,
राजू जाति जाति के बाहुने और जाति जाति में जात और इन रघुबर की जाति अजाति है। किसकी? बोले भगवान की। रघुबर की जाति अजाति है सो सब जातली हाँ भैया की सारी जातियों में आपकी जात मिल जाती है। सत्य बात है सत्य कह रहे हो लेकिन भगवान मैं आपको जाने नहीं दूंगा आप दर्शन करूंगा। जाति जाति को पावनो जाति जात यह रघुबर ऐसी जा ये सत्य है जो हमें प्रेम से बुलाता है। प्रीत करे सोस करे पीछे से लौटा दो आपन गला फसाई के पानी लावे वो। और देखिए भगवान आप हमारे घाट पर आए हैं ये मरम हम जानते हैं ये मरम हम जानते हैं। मागी नाव न केवट आना और कहई तुम्हार मरम हम ये मरम मैं ही सिर्फ जानता हूँ और इस मरम को कोई नहीं जानता है। इसी कारण तुम्हें आया हूँ और ये मरम तुम्हारे ही प्रेम के खातिर आज ही राम तुम्हारे पास आया है। इसीलिए तो भगवान कहता हूँ तेरी मेरी।